मुझे उन्होंने नहीं मिले अतिया, मुझे अल्लाह की कसम मैंने रात को ख्वाब में मैं इमरान खान को मिली, उनकी बीवी को भी मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई आप? मैं इस्लामाबाद जी फाइव से। क्या करने आई हैं? मैं इमरान खान को मिलने आई थी। तो खान साहब मिलने देंगे आपको? क्यों नहीं मिलने देंगे, जिस दिन जीते थे सारा धरना मैं उनके साथ ही, जिस दिन जीते मैं आई यहाँ बैरियल से बाहर मुझे उन्होंने वापस किया सिक्योरिटी वालों ने कि ब्लू एरिया जाए वहाँ से रसीद लेके आए, और आज तक ना मुझे रसीद मिली ना मुझे, उन्होंने नंबर मेरा ले लिया था आज तक नहीं दिया। अभी बाहर पुलिस वालों ने रोक लिया था, ये मजदूर बच्चा उधर बैठा है इसको भी नहीं आने दे रहे थे। फिर मैं इसको हम पैदल चल के आए बहुत सारा ऊपर उतराई चढ़ के आए, उधर ऊपर से ये मैडम आ रही थी गाड़ी। आप इतना प्यार करती हैं खान साहब से, मिलने भी नहीं दे रहे? और प्यार करने वालों को आगे कौन आने देता है? हाँ, कौन नहीं आने दे रहा आपको? ये जो उनके जो आगे बंदे होते हैं पुलिस वाले होते हैं सिक्योरिटी वाले होते हैं या एमएनएस वगैरह होते हैं सारे पुलिस वालों की तो जिम्मेदारी है ना उनको सिक्योरिटी देना, तो एमएनएस को चाहिए ना हमें साथ लाएं, तो क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? तो बस खुद आगे हो जाते हैं, जो उनके साथ हमारे थोड़ा ऊपर ऊपर होते हैं वो आ जाते हैं, हमें नहीं आने देते। तो फिर क्या क्या डिमांड है आपका? मेरी यही डिमांड है, मैं उनको एक दफा जब जिस दिन मैं यहाँ से वापस गई थी ना मुझे उन्होंने नहीं मिलने दिया, मुझे अल्लाह की कसम मैंने रात को ख्वाब में मैं इमरान खान को मिली, उनकी बीवी को भी मिली। ख्वाब में मिली? ख्वाब में, उसी दिन रात को जमीन पे हम तीनों बैठे हुए थे, बुशरा मनिका और मैं इमरान खान, और मैंने उनसे बातें की। क्या बातें की ख्वाब में आपने? ऐसे ही कि मुझे बहुत खुशी हुई है आप जीते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बुशरा मनिका साहिबा ने क्या कहा आपको? उन्होंने भी कहा कि आप जैसे लोगों की हमें बहुत जरूरत है। अच्छा, तो आप तो ख्वाब में खान साहब को आपने क्या कहा? मैंने यही कहा कि मुझे इस तरह नहीं आने दे रहे थे तो मैं बड़ी मुश्किलों से आई हूँ। तो खान साहब ने आगे से क्या कहा ख्वाब में आपको? उन्होंने कहा फिक्र न करें मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आपके साथ हूँ? लेकिन ये हकीकत तो नहीं है ना? देखिए ना, खान साहब आपसे ख्वाब में मिलना चाह रहे हैं, मिले हैं, और आप जनाब इधर बाहर जलील हो रही हैं। जो परेड ग्राउंड में जलसा था मैं उनके सामने खड़ी थी, मैं हर जलसे में उनके साथ होती हूँ। अच्छा, ये जो डी चौक में था ना शले हमने इतनी खाई है मैं। अच्छा, एक दफा गिरी। देखिए आप शले खा रही और खान साहब से मिल भी नहीं सकती, तो बस इतना रश होते हैं आगे, फिर सारे यूथ होते हैं। क्या क्या करेंगे मिल के आप खान साहब से? मिलके मैं उनके लिए इतना कुछ बोलती हूँ ना, इतना कुछ सोचती हूँ, जो कुछ मैं सोच रही हूँ। क्या फायदा आपके बोलने का, आप मिल भी नहीं सकती? अल्लाह करेगा, देखें आज शायद मिल ही जाऊँ। तो मिल के क्या कहेंगे उनको आप? उनसे मिलने के बाद क्या कहेंगे उनको? कि आप एक बहादुर लीडर हैं और आप जो है ना, यानी कि दो तीन बंदे उनके साथ हैं जो नहीं अच्छे बस। तो आपके कहने से क्या होगा उनको? तो पता है वो बहादुर हैं। नहीं, कहने से ये होगा कि चलें, कोई तो उनको बताए ना कि मिस्टेक कहाँ से आई है। पनीगाला, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? वी कांग्रेट्स ओवर लाइक इमरान खान, वी आर वेरी ग्लैड टू सी हिम अगेन एंड वी वर वेरी मच एक्साइटेड, और इंशाल्लाह 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 ये दोबारा ज़रूर आएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं भरको से आई हूँ। आप क्या करने आई यहाँ पे? मैं यहाँ पे खान साहब को मुबारकबाद पेश करने आई हूँ और हम सब की उनकी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, और अल्लाह पाक ने उनको एक इज्जत से नवाजा है, और बेशक इज्जत ज़िलत अल्लाह पाक के हाथ में।